मैंने बार बार असेंबली में बताया, साथ ने आपको क्लासों में बताया, अब हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा ने आपके लिए मौका पैदा कर दिया है कि आप लोग किस लेवल के भी हैं, आपके अंदर अगर टैलेंट है, आप मेहनत करते हैं, अपने आप को साबित करते हैं अपने टैलेंट को, तो आपके लिए हुकूमत बेशुमार वज़ाइफ दे रही है। उसकी जिंदा मिसाल अभी से गवर्नमेंट ने बहुत ज़बरदस्त कदम उठाया कि गवर्नमेंट स्कूलों और प्राइवेट स्कूलों की मैट्रिक और इंटर लेवल की बोर्ड की पोजिशनें अलग कर दी। अब इससे ये होगा बेटा कि आप में से, आप गवर्नमेंट स्कूलों के बच्चों में से भी जो लोग टॉप 20 में आएंगे, बोर्ड उनको 10,000 रुपये महाना, जितना वो आगे पढ़ेंगे 10,000 रुपये महाना कॉलेज लेवल पर उनको स्कॉलरशिप देगा। इसी तरह इंटर लेवल पर जो बच्चे टॉप 20 पोजीशंस लेंगे, वो इंटर लेवल पर गवर्नमेंट उनको 15,000 रुपये महाना स्कॉलरशिप देगा। और अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने है, इससे पहले रिजल्ट भी गवर्नमेंट हाई स्कूल सेक्टर दो के, और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा आने वाले रिजल्ट भी हमारे बहुत अच्छे होंगे। इस वक्त भी आपकी 10th क्लास में कम अज कम 10 बच्चे ऐसे हैं, बेटा 10 से ज़्यादा हैं, लेकिन जो नंबरों में ज़रा 400 से ऊपर हैं 10 बच्चे, उनके पास बड़ा गोल्डन चांस है कि वो बच्चे इस मतलब कटाबाद बोर्ड के टॉप 20 में आ सकते हैं। इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, असातिज़ा आपके साथ कर रहे हैं। उनके अलावा 9th वाले बच्चों के लिए बहुत ज़बरदस्त चांस है, खासकर कंप्यूटर ग्रुप जो है, जिन बच्चों ने कंप्यूटर लिया हुआ है उनके लिए बहुत चांस है, और साइंस वाले और फिर आर्ट्स वाले सबके लिए बहुत चांस है कि वो अभी मेहनत करें। अभी आपके पास 2-3 महीने पड़े हैं, मेहनत करें इंशाल्लाह। और आपको पता है यहाँ पे हम अपने स्कूल में अनफेयर मीन्स नहीं इस्तेमाल करने देते, चीटिंग यहाँ मुकम्मल तौर से हमारे अपने स्कूल के इम्तिहान में भी और बोर्ड के इम्तिहान में मुकम्मल तौर से मना है, बंद है। इसलिए चीटिंग का तो तसव्वुर ही नहीं, हमने नहीं करना कि हमने नकल करनी है इम्तिहान में, वो तो हो नहीं सकेगा इंशाल्लाह। वो तो आपको भी पता है, गुज़श्ता कई सालों को आप देख रहे हैं और इस साल मजीद उसमें होगा। आप मेहनत करें, अल्लाह पाक आपको वो नंबर देंगे कि आप आइंदा साल 9th वाले भी बोर्ड में पोजिशनें ले सकते हो। आप में बहुत बच्चे हैं, बहुत से ऐसे बच्चे हैं, सब बच्चे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जिनकी क्वालिटी बाकियों से ज़्यादा मेहनत है, क्वालिटीज़ भी उनकी ज़्यादा है और उन्होंने मेहनत भी ज़्यादा की हुई है, उनके पास बहुत अच्छा मौका। और बेटा मैं आप सबसे कहूँगा, इस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा गौर से देखें, ये जो यहाँ पे आके बच्चे अपनी मुख्तलिफ साहितों का इजहार करते हैं, कोई ड्रामा पेश कर रहा है, कोई नाच पेश कर रहा है, कोई तलावत आपके सामने कर रहा है, या कोई मिली नगमा कर रहा है, या लताइफ सुना रहा है, कोई आज जितने भी बच्चों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया सबके अंदर ये सलाहियत है, बहुत अच्छा किया, सबके लिए एक मरतबा क्लैपिंग कर दो। और एक बात और मैं आपको बता, ये जो स्टेज पे आके बाकी बच्चों के सामने सिर्फ बात कर देना, ये बहुत बड़ी सलाहियत होती है। ये मैं आपको एक हकीकत बता दूँ, क्योंकि जब आप यहाँ आते हैं लोगों के सामने, ये आपको एक तरीका आ जाता है कि लोगों के सामने आपने बात किस तरह करनी है। और सबसे बड़ी चीज़, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है, एतमाद, खुद एतमादी आपके अंदर पैदा हो जाती है।